प्रकाश दोस्त से आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है प्योर ग्लैंडुलर ग्राइनेकोमेस्टिया। दोस्तों ये जो ग्लैंड किसको बोलते हैं कि जो फीमेल्स के अंदर दूध बनाने की ग्रंथि रहती है वो जब मेल्स के अंदर डेवलप हो जाती है तो उसको आप ग्लैंड बोल सकते हैं। और प्योर ग्लैंडुलर माने आपके अंदर फैट बिल्कुल भी नहीं है, आप पतले थीन है, लेकिन फिर भी आपकी जो निपल है उसके नीचे ऐसी एक कड़क या फिर फॉर्म रबर जैसी रचना बन जाती है, वो पेनफुल होती है। काफी सारी बार इसको पॉफी निपल्स भी बोला जाता है क्योंकि उसकी वजह से आपकी निपल ऐसे बाहर प्रोजेक्ट होती है और वो दिखती रहती है आपके टी शर्ट से, आपके कपड़ों से। इसके अलावा जब ठंडी होती है या आपको कोई छूता है तो वो पार्ट अंदर चला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको प्योर ग्लैंडुलर गायनेकोमेस्टिया या पफी निपल्स बोलते हैं। प्योर ग्लैंडुलर गायनेकोमेस्टिया के लिए आपको लाइपोसक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आपको सर्जरी के अलावा इसका कोई उपाय नहीं रहता है। अगर आप चाहते हैं तो इसका सर्जरी करवा सकते हैं जिससे कि आपको ये ग्लैंडुलर गायनेकोमेस्टिया से मुक्ति मिल जाए, आपका चेस्ट फ्लैट हो जाए, बाकी सब लड़कों की तरह आप भी अपने दोस्तों के साथ घूमे फिर सकते हैं, चेस्ट शर्ट निकाल के अपनी जो बॉडी है वो कॉन्फिडेंटली खुला कर सकते हैं। तो ये ग्लैंडुलर गायनेकोमेस्टिया के लिए अगर आप सर्जरी करवाना चाहते हैं तो प्लास्टिक सर्जन का ही चुनाव करें जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट वर्चुअली स्कारलेस, माने आपको स्कार ना दिखे उस तरीके से वो सर्जरी करके दे सकते हैं। तो प्योर ग्लैंडुलर गायनेकोमेस्टिया के बारे में अगर आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये वीडियो के एंड में है, उसके ऊपर आप सुबह 8 से लेकर शाम के 8 के बीच हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और आपने आपका अमूल्य समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद।